अनीश और अश्विनी हमारे अच्छे दोस्त थे और वो दोनों भी अच्छे एक दूसरे के दोस्त थे, वो दोस्त ही थे। सोशल मीडिया में आजकल बहुत कुछ गलत बातें हो रही उनके बारे में कि वो कपल थे, ऐसा वो कुछ नहीं थे, वो एक अच्छे दोस्त थे और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो हमें बस इतना सरकार से इतनी दरखास्त है कि उनको न्याय मिले और वही बस अभी कहना चाहेंगे कि इसके बारे में। अचानक से आपके दोस्त, तो आप चार लोग यहाँ पर आए हैं, अचानक से वो दो खास दोस्त थे वो चले जाते हैं, कितना दुख होता है इन चीजों का? और जो चीजें हो रही हैं इस केस में पूरी तरह से, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया है? दुख तो बहुत हुआ जब सबसे पहले ये घटना सुनी हमने। अभी केस पहले तो पहले दिन हमने जब हम वहां पर थे, हमें लगा था कि ये पैसे वाले है, ये एक दिन में दबाने का करेंगे कुछ ना कुछ अपने साइड से और शायद दब भी जाएगी एक दिन में न्यूज। लेकिन सोशल मीडिया का थैंक यू और सब लोगों का थैंक यू, इस वजह से ये केस इतना आगे गया और उनको जस्टिस मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है। मैं सुबह 9 बजे पता चला था कि अनीश एंड अश्विनी का एक्सीडेंट और उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग सुबह वहां पहुंचे थे एंड हम अराउंड रात के 9:30 बजे तक वहीं थे तब तक उनकी बॉडी पोस्टमार्टम होकर वहां तक गई थी। तो मतलब दुख तो हम शब्द नहीं बयां कर सकते कि जो लोग आपके साथ इतने टाइम से थे, और अनीश बिल्कुल मेरे भाई जैसा था मेरे लिए, अब वो नहीं रहा है। बस हम इतना चाहते हैं कि उन दोनों को जस्टिस मिले ताकि आगे जाके कल को किसी और के साथ ये सब ना हो, और मतलब ताकि हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम और हमारी गवर्नमेंट पर इतना फेथ रहे आगे भी कि हाँ कल को कुछ अगर ना करे, कुछ ऐसा हो तो हमें विश्वास रहे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे। Is applied in this case section 304 Chennai.